लाखों लोग बैठे हुए कि बस एक बार बाबा जो है उनको राहुल बाबा कहा जाता है प्यार से। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में है? और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया, 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। ये लोग ढूंढ रहे होंगे उस पंडित को, वो तो इतना रुपया लेके चला गया होगा 20 साल पहले, अब तो इनकी उम्र 50 साल है ना। और बताया होगा कि तीन तीन लड़कियां हैं, तीन बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं जूता उतार दो भैया, उनको उनके एक बड़े करीबी आदमी उनसे कहा मैं मेरी हिस्ट्री क्लास में दिखा दो यार मानी नहीं रहे, बुरका पहना बिठा दो कानपुर वानपुर में आ जाए, इधर ऐसे कोने में कहीं बुरका पहन के बैठे कौन देखने जा रहा, कोई फर्क नहीं। डेमोक्रेसी में विरोध होते रहना चाहिए, और शिक्षक और कवि दोनों को छूट है, दो ही लोगों को छूट है कमेंट करने की, एक शिक्षक को एक कवि को। कौन? खान सर बेचारे अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कभी कभी आदमी बोलते बोलते तनाव में आ जाता है ना। हाँ आप कभी भी शिक्षक हो गए ना, मैंने कल भी कहा था क्लास में कि आतंक नहीं हिंसा, कर डालो रास्ते में वो अलग बात है और जब मूवमेंट चलाओ तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखो, वो तुम्हारे हाथ से बेकाबू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं निकलना नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हिंदुस्तान में जितने लोग मोटिवेशन का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं यूट्यूब पर, मैं सबको सलाम करता हूं, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सर या जो भी हैं, जो भी आदमी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या मोटिवेट कर रहा है या कुछ बता रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं। इसी चीज की जरूरत है इस वक्त देश में। और पता नहीं किस आदमी की कौन सी बात आपको समझ में आ जाए,